एनी 24 चैनल से तरफ से यहाँ पर आए हैं। आज हो रहे हैं 33rd ऑल इंडिया फुल कराटे कंपटीशन। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं, तो यहाँ की जो कंट्रीमैन है बसंत कुमार सिंह जी, इन्होंने इसका आयोजन किया है। साथ में बहुत सारे हमारे डेलीगेट्स लोग यहाँ पर हैं, आप देख रहे होंगे। तो हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, आज का ये जो कंपटीशन हुआ इनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो सर, ये बसंत कुमार सिंह जी है कानपुर से, कंट्रीमैन है हमारे क्वालिफिकेशन कराटे की, हम इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। आप आज का सेशन आपका कैसे रहा, इसको कितने दिनों से आप चला रहे हो, और आपका कुछ खास क्या कहना है नवा पीढ़ी के लिए? थैंक यू। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन कई सालों से कर रही है। 33वां हमारा ये ऑल इंडिया जो कानपुर में हो रहा है, इसी स्कूल विद्यालय के प्रांगण में हम लोगों ने 2021 में भी किया था, 31वां किया था, और 2022 में हम लोगों ने दुर्गापुर में किया था, और इस बार हम लोगों ने यहाँ पे किया है इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन। और इन दोनों ही नेशनल प्रतियोगिता की जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट रही हैं, हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा बनर्जी मैम हमारे साथ हैं, उन्होंने इसका आयोजन हमारे साथ कर दिया। बहुत अच्छा लगा। आप क्योकुशिन को और जो भी हमारे यहाँ का इंडिया का जो कराटे का जो फाउंडेशन उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्योकुशिन का क्या कहना चाहेंगे, उसका अवदान क्या? पहली बात तो ये बता दूँ, क्योकुशिन हर घर घर में होना चाहिए। क्योकुशिन ही एक ऐसा आर्ट है, ये खेल नहीं है, ये आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। इसको स्पोर्ट्स में मैं नहीं मानता हूँ कि कभी स्पोर्ट्स के रूप में खेला जाए, इसको रियली सेल्फ डिफेंस में ही आना चाहिए। कि इसलिए कि रोड पर हमें खेलना नहीं है, लड़ना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज जिस तरह से बच्चे लड़ रहे थे, ना कोई वजन में माने रखता था, ना उम्र माने रखता था, और वो लड़ रहे थे। तो मैं हर पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कहूँगा, उनके अभिभावक कहूँगा, इस आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएं अपने बच्चों को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा बात करते हैं आज शिखा बनर्जी मैम से। मैम, आपका जो भी आज के सेशन के लिए कुछ सोसाइटी को कहना है, देश को कहना है, प्लीज। सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय हमेशा बच्चों को हर चीज़ में प्रोत्साहन देती है। कराटे भी उसी तरह का एक शिक्षा है, सिर्फ किताबी शिक्षा शिक्षा नहीं होती है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हम कहते हैं तो उसमें अपने आप को बचाना, सुरक्षित रखना, सिर्फ अपने को बचाना नहीं, अपने ज़रिए दूसरों को बचाना, इन सारी चीज़ों की सीख बच्चों को कराटे के थ्रू मिल सकता है, और हम इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू मैम। अभी हम लोग हैं स्कूल की वाइस प्रिंसिपल गणेश तिवारी जी से, हम कुछ सुनेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों को, कोचेस को, पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ, और इसी तरह खेल भावना बनी रहे, बच्चे खेलते रहें, हंसते रहें, पढ़ते रहें, और बस सबके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक हमारे यहाँ के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मंगेश भौमिक जी से हम कुछ सुनेंगे, आज की इस कंपटीशन के लिए आपको क्या कहना है और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो आज का जो कंपटीशन था, आत्मविश्वास, ऊर्जा और अनुशासन का बहुत अच्छा समागम था, और हम चाहते हैं ये लेकर जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो तो हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आके मैं खुद बहुत गौरव का अनुभव करूँगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलते पांडे मैम से हम आपसे, आज का जो ये कॉन्टेस्ट हुआ यहाँ पर हुआ, आप आए बहुत दिनों से, आप ये कॉम्पिटिशन में आप आ रहे हैं, आज के लिए आप क्या खास अनुभव करेंगे हमारे लिए? वेल, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा ये क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का 33rd टूर्नामेंट था। जैसा कि अभी बसंत जी ने कहा कि क्योकुशिन कराटे हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली मार्शल आर्ट, इट्स लाइक बिल्डिंग कैरेक्टर। आपको ये फाइटिंग नहीं सिखाता, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना सिखाता है। और बड़ी बात है कि यू कैन लूज, यू कैन विन, बट यू विल बी बेटर फाइटर, यू विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड दिस इज़ द क्योकुशिन मैसेज आई गेस। मैं इस कराटे प्रतियोगिता टूर्नामेंट का पार्ट होके मैंने बहुत कुछ सीखा, देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल भावना से इसको खेल रहे थे, और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हुनर को आजमा रहे थे। बच्चों के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहे। 16 राज्यों की झलकियां हमें यहाँ देखने को मिली, बहुत दूर दूर से स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए थे, मैंने अभी उनको पुरस्कृत किया है,
और बहुत अच्छा लगा इस इवेंट का पार्ट बनना। थैंक यू सो मच, हमें भी आसाम की तरफ से आपके लिए जो भी बहुत बहुत ही फ्रूटफुल हो गया आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पर हूँ हमारी आसाम की गुवाहाटी का जो क्योकुशिन का जो इंस्ट्रक्टर है भास्कर सर जी, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि असम के जो बच्चियाँ हैं जिनके लिए क्योकुशिन अभी तक गए नहीं, मतलब फुल कांटेक्ट वाली, इनके लिए इनके पास मैं जा रही हूँ। सर आप असम के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्योकुशिन को कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए आसाम के लिए? अच्छा पन्प्रथमें मैं अपना मीडिया एन ई 24 जुगे अपने गोटेबी नवबर्षर शुभेच्छा ज्ञापन करल। तरपत आल क्योकुशिन, क्योकुशिन एक्टा फुल कन्टेक्ट खेल, फुल कन्टेक्ट कराटे, कराटे मार्शियल आर्ट को फुल कन्टेक्ट, क्योकुशिन तो हम फुल कन्टेक्ट खेल, मार्शियल आर्ट लगे अपनी फुल कन्टेक्ट कर लगे তেতিয়া তাত মানে মার্শাল আর্টৰ শুদ্ধতাটো হ'ব লাগিব। গতিকে মার্শাল আর্ট কৰিব লাগিলে আপুনি ফুল কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মার্শাল আর্টৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন বৰ্তমান পৰিস্থিতি। গতিকে আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে মার্শাল আর্ট হিচাপত ফুল কণ্টেক্ট কিছুদিন কৰাতে ল'ৰা ছোৱালী অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু লগতে যি দুঘণ্টা ধৰক প্ৰেক্টিচ কৰিব, যি দুঘণ্টা প্ৰেক্টিচ কৰে সেই সময়খিনিত সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ কোনো বেয়া ৰাস্তাত যাব নোৱাৰে। মানে নিশ্চয় প্ৰেক্টিচ কৰিব, প্ৰেক্টিচ কৰি ভাগৰ লাগিব, ঘৰত গৈ পঢ়িব, গতিকে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ লাভ কৰিব। আজিৰ কম্পিটিশ্যনত আমাৰ অসমৰ পৰা কিমান ল'ৰা ছোৱালী আহিছিলে আৰু কিমানটো প্ৰাইজ তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ পৰা 15 আহিছিলে খেলিবলৈ। খেলিব আহি আপোনাৰ পুনৰ মানে গ'ল পালে, ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পালে 3 আৰু চিলভাৰ পালে 3। থাৰ্ড পজিশ্যন পালে 6। এইখিনি আমাৰ ইয়াত এইবাৰো মানে চেষ্টা কৰিম। आज हम कानपुर में आ करके इस कंपटीशन को हम देख पाए और असम के लिए जो बच्चियाँ हैं उनके लिए हम भी हो जाए।